हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस प्लॉट का साइज़ है 32 फीट बाय 30 फीट। 32 फीट आपका इस डायरेक्शन में और 30 फीट आपका इस डायरेक्शन में, और ये प्लान ईस्ट फेसिंग है, यानी पूर्व दिशा में आपका रोड रहेगा। और इस प्लान को मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस ड्राॅइंग को अरेंज किया गया। इस ड्राॅइंग में आपका एंट्रांस यहाँ से होगा। इस डोर का साइज़ है 4 फीट। इस डोर से अंदर आते ही आपको पोर्च यानी बरामदा मिलेगा, और यहाँ पर एक डोर। इस डोर का साइज़ है 3 फीट 6 इंच, और इस पोर्च का चौड़ाई है 5 फीट। इस डोर से एंटर करते ही आपको ड्राइंग रूम मिलेगा। इस ड्राइंग रूम का साइज़ है 10 फीट 10 इंच बाय 12 फीट। इस ड्राइंग रूम के बाई तरफ यहाँ पर मैंने सिटिंग एरिया दिए, और इस वॉल के साथ आप टीवी यूनिट रख सकते हैं। और यह है आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर। इस डोर का साइज़ है 3 फीट, और ये रूम 11 फीट बाय 13 फीट 9 इंच का होगा। इस बेडरूम में ये विंडो आपका 5 फीट का होगा, और ये विंडो आपका 4 फीट का। और इस रूम में आपका बेड पूर्व दिशा में है, और बेडरूम का डोर दक्षिण दिशा में। अब देखते हैं आपका सेकेंड बेडरूम। यहाँ पर मिलेगा सेकेंड बेडरूम का डोर। इस डोर का साइज़ है 3 फीट, और ये रूम 10 फीट 10 इंच बाय 11 फीट 5 इंच का होगा। और इस रूम के साथ मैंने अटैच टॉयलेट भी दिए। इस डोर का साइज़ है 2.5 फीट, और ये टॉयलेट 3 फीट 9 इंच बाय 3 फीट 7 इंच का होगा। और ये वेंटिलेटर 2 फीट का है, और ये विंडो आपका 4 फीट का होगा। इस बेडरूम में आपका बेड और बेडरूम का डोर पूर्व दिशा में है। अब देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। इस बेडरूम के पास यहाँ पर है आपका थर्ड बेडरूम का डोर। इस डोर का भी साइज़ है 3 फीट, और ये रूम 8 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 5 इंच का होगा। इस रूम में मैंने 2 विंडो दिए। ये विंडो आपका 5 फीट का होगा, और ये विंडो आपका 4 फीट का। और इस रूम में आपका बेड दक्षिण दिशा में है, और बेडरूम का डोर पूर्व दिशा में। इस रूम से बाहर आते ही यहाँ पर मिलेगा आपको डाइनिंग, और यहाँ पर किचन। इस किचन का साइज़ है 8 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 2 इंच। इस किचन में मैंने ओवन यहाँ पर दिए पूर्व दिशा में, और यहाँ पर है आपका बेसिन, और यह है आपका किचन का वर्किंग एरिया, और ये विंडो 2.5 फीट का होगा। अब देखते हैं आपका डाइनिंग। यहाँ पर रहेगा आपका डाइनिंग, और ये डाइनिंग 6 यूज़र है। और ये डाइनिंग एरिया का साइज़ है 8 फीट 6 इंच बाय 10 फीट 10 इंच, और ये विंडो 4 फीट का होगा। अब देखते हैं आपका कॉमन टॉयलेट। यहाँ पर मिलेगा आपको कॉमन टॉयलेट का डोर। इस डोर का साइज़ है 2.5 फीट, और ये टॉयलेट 3 फीट 9 इंच बाय 7 फीट 5 इंच का होगा। इस टॉयलेट का वेंटिलेशन यहाँ से होगा। इस अटैच टॉयलेट के ऊपर लिंटन लेवल पे अगर आप एक्स्ट्रा रूप देंगे, तो इस टॉयलेट का वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा। आप देखेंगे आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का साइज़ है 6 फीट 11 इंच बाय 15 फीट। 15 फीट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, और इस स्टेयरकेस में आपका आप यहाँ से होगा। ये है आपका फर्स्टाइज़र, और ये फर्स्टाइज़र यहाँ से 3 फीट 2 इंच की दूरी पर स्टार्ट होगा, यानी इस लैंडिंग का चौड़ाई है 3 फीट 2 इंच, और इस लैंडिंग का चौड़ाई है 3 फीट 7 इंच। और इस स्टेयरकेस में टोटल 22 राइज़र है। एक राइज़र आपका 6 इंच का होगा, तो आपका घर का हाइट होगा 11 फीट, इस घर के फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक। और इस स्टेयर का चौड़ाई रहेगा 3 फीट। इस प्लान में अगर आप बाहर का एंट्रेंस चाहते हैं, तो यहाँ से बाहर का एंट्रेंस रख सकते हैं। इस प्लान का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी डायमेंशन के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।